बहराइच में मंगलवार को भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश आह्वान के बाद जिलाध्यक्ष मोहन लाल वर्मा के नेतृत्व में दर्जनों भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता व पदाधिकारियों ने धरना स्थल पहुंचकर जमकर प्रदर्शन किया। साथ ही सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ को संबोधित ज्ञापन तहसीलदार सदर को सौंपा। उनकी मुख्य मांगे छुट्टा जानवर गन्ना किसानों के भुगतान को लेकर हैं। बताते चलें, पूरे प्रदेश में 14 सूत्री मांगों को लेकर भारतीय किसान यूनियन द्वारा प्रदर्शन व ज्ञापन सौंपा जाने का कार्यक्रम चल रहा है। इसी कड़ी में जनपद बहराइच में भी प्रदर्शन और ज्ञापन सौंपा गया। आज ये हमारे जिलाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन टिकट मोहनलाल किसान, आज ये हमारे मासिक क्रम के पंचायत में है। ये हर महीने के मासिक पंचायत 21 तारीख को प्रस्तावित है, उसी के क्रम में हम लोग बैठे हैं। आज हमारे प्रदेश और राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर ये हमारा मांग पत्र जो है, आज का मांग पत्र सार्वजनिक है, पूरे प्रदेश में एक ही तरह का मांग पत्र है। 14 बिंदुओं पर मांग पत्र दिया जाएगा और हम लोग ये बिंदु जो है रोड पर प्रदर्शन करते हुए माननीय जो है सिटी मजिस्ट्रेट साहब को जिलाधिकारी के द्वारा सौंपेंगे। मुख्य मांगे जो किसान गन्ने का सबसे बड़ा जो है मुख्य मांग हमारे गन्ने का भुगतान और गन्ने का रेट, जो सरकार जो है हमको जो है गन्ने का वाजिब दाम नहीं दे रही है, हमारी लागतें बढ़ रही हैं। और किसान सरकार ने चुनावी वादे में आश्वासन दिया था कि मैं गन्ने का रेट बढ़ाऊंगा, लेकिन अभी तक एक रुपया नहीं बढ़ाया है। पहले किसानों को ये आशा थी कि शायद इस सत्र में हमारे किसानों का जो है हमको गन्ने का बड़ा मूल्य मिलेगा, लेकिन मीटिंग में जब विधानसभा की मीटिंग हुई तो वहाँ जो है किसानों को निराशा मिली और गन्ने का दाम नहीं बढ़ाया गया। क्या मांग करते हैं? हम मांग ये करते हैं कि अगर हमारे गन्ने का मूल नहीं बढ़ाया जाएगा तो प्रदेश हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर जो उनका आदेश निर्देश होगा हम लोग गन्ना प्रदर्शन करेंगे और जो भी बनेगा वो कार्य किया जाएगा। बहराइच से जिला ब्यूरो चीफ कुतुब अंसारी की रिपोर्ट।